हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पैसे तो दो ना सब। क्या वे? क्या बोला? क्या चाहिए? पैसे तो दो ना ऑटो का। 120 रुपया भाड़ा हुआ है, देख लो मीटर साहब। मुझसे पैसे लेगा तो? मुझसे? अभी भाड़ा हुआ है तो क्या? अमित कुमार नाम है मेरा, अमित कुमार। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। अरे सोसाइटी ना, यहाँ भी किसी से नहीं डरता। सब अच्छी बात नहीं है, भाड़ा तो देना पड़ेगा सब। भाड़ा लेगा? तड़े से जो पीली है, चरेज नहीं की है। तड़ी से जो पीले लेफ्ट के दर क्या हो क्या रहा है? ये लाइट को क्या हुआ है? नहीं क्या है? ये भी नहीं आ रही है। अभी बराबर हो गई है। बुझती बंद होती है। ए, कौन शरारत कर रहा है? चार second floor? Huh? ground floor? कौन शरारत कर रहा है? कौन है? Thank you.
प्लीज 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 मुझे मत मार। यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ वो हॉन्टेड 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 फ्लोर, प्लीज यहाँ नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे खोलो खोलो अरे कोई खोलो अमित कुमार गायब है, ये तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? सर वो ऐसे गायब नहीं हो गया, मामला कुछ और ही है। मामला कुछ और है मतलब? साफ साफ बताओ हुआ क्या यहाँ पे? साहब कल रात करीब 1:30 बजे कुछ घरों की लाइट चली गई थी। मुझे तो लगता है जरूर ये कोई जानबूझ के कर रहा है, वरना कुछ घरों की लाइटें क्यों, सारे घरों की जानी चाहिए। उससे झगड़ा करेगा? अमित नाम है मेरा, अमित कुमार, जिसके बाप से नहीं डरता मैं, वैसे एक एक। और उनके वहां से जाते ही 5 मिनट बाद प्लीज प्लीज हेल्प मी, कोई कोई मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प मी, अमित अमित गायब हो गए, जिसके अंदर से गायब हो गए। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने उनको फोन भी किया था, रिंग बज रही थी लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। किसी ने उन्हें बाहर आते हुए देखा ही नहीं? सर हमने उन्हें सिर्फ लिफ्ट में जाते हुए देखा था, लिफ्ट से बाहर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। हाँ साहब, जो कुछ हुआ लिफ्ट के अंदर हुआ। ये लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा तो है ना? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे कैसे जा सकती है? ये 5वीं मंजिल पर है, लगता है ये अमित किसी के साथ बात कर रहा है। यार यहाँ पर तो अमित के अलावा कोई दिख भी नहीं रहा है, फिर ये अमित बात किससे कर रहा है? कौन रहता है 5वीं मंजिल पर? अरे कौन रहता है 5वीं मंजिल पर? भूत, भूत। तो लगता है इस बिल्डिंग में रहने वाले आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इनसे एक बार फिर से बात करनी होगी। हाँ रेडी पंकज? यस सर। काम करो, बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर जाओ और अच्छी तरह से देखो, देखो क्या हुआ था अमित के साथ, पता है? सर हम सोसाइटी वालों से बात करते हैं। पंकज एसीपी साहब ने हमें बताया नहीं कि सीढ़ियों से कौन जाएगा और लिफ्ट से कौन जाएगा, पूछ के होंगे? सर पूछोगे ना वो भड़क जाएंगे। आप एक काम करो, आप सीनियर है सर, आप आराम से लिफ्ट में जाओ, मैं सीढ़ी से जाता हूँ। हमेशा सीनियर सीनियर बोल के मेरी वाट लगाते रहता है, मैं थोड़ी डरता हूँ। नहीं ये नहीं हो सकता, अमित 5वें माले पर जा ही नहीं सकते। 5वां माला तो इसलिए अमित वापस नहीं आया, अब आएगा भी नहीं। एक मिनट, ये पहली मत बुझाना, ये बताओ अमित के साथ हुआ क्या था और फिर ऐसा क्या है उस 5वीं मंजिल पर जो वहां पे कोई जाएगा वो वापस आएगा ही नहीं?
आपस में एक दूसरे को देखने के बजाय अगर हमसे बात करेंगे तो ये केस सॉल्व करने में जरा आसानी होगी। प्लीज आप लोगों को जो कुछ भी पता है ये पांचवा माले के बारे में हमें बताइए। सर, सर वो पांचवा माला कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, पिछले कुछ दिनों से पांचवें महले पे अजीब अजीब घटनाएं घट रही है। पहले सब कुछ ठीक था लेकिन पिछले 6 महीने से छोड़ो यारे, देखा नहीं अमित के साथ क्या हुआ है। एक मिनट आप जरा चुप रहेंगे प्लीज। आप बताइए पिछले 6 महीने से यहाँ पे क्या हो रहा है। 6 महीने पहले तक वहाँ 5वें फ्लोर पे एक आंटी रहती थी, अकेली, बिल्कुल अकेली, अंजना उनका नाम था। अरे पंकज, अरे धत तेरी। काफी अमीर थी, सारा फ्लोर उन्हीं का था, सारे फ्लैट्स उन्हीं के थे, लेकिन सर वो बिल्कुल क्रैक थी। मेरा मतलब है बहुत ही सनकी और हिंसक थी वो। हाँ साहब, पूरी पागल थी वो, चीखने चिल्लाने गाली गलौज के अलावा चीजें ऊपर से फेंक कर मारती थी वो। ये ले, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ले मर। भारत, किसी के साथ कुछ भी करती थी, कुछ पता नहीं चलता था। हम सब लोग बहुत डरते थे उसके पागलपन से। कैसे पड़ोसी हैं आप? एक अकेली बूढ़ी औरत जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे डॉक्टर के पास। खैर छोड़ो, अब वो आंटी कहाँ है? सर कुछ दिनों से पांचवें माले पर काफी शांति थी तो हमने सोचा कि जाके उसका फ्लैट चेक करते हैं। कब हुआ ये सब? फिर कुछ 6 महीने पहले। 6 महीने पहले अंजना जी ने अपनी जान ली और अभी अमित गायब है, इसका क्या संबंध हो सकता है आपस में? संबंध है सर, वो आंटी मर के भी हमें परेशान कर रही है, आत्मा बन के हमें बहुत तकलीफ दे रही है। ये आत्मा अपना सब बकवास है। बकवास नहीं साहब, सच है, वरना उनके मरने के बाद भी उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी सोसाइटी में कैसे गूंजती है। चिल्लाने की आवाज सुनी? हाँ सर, हम सब ने सुनी है सर। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ सर, जैसे जैसे पानी के पाइप से पानी नहीं, खून निकलना। हाँ सर, हम सब ने देखा है सर। उन घटनाओं की वजह से सोसाइटी के आधे लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि आंटी की आत्मा ने अमित को गायब कर दिया है। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते। सर हम लोग भी यहाँ से 2 महीने बाद जाने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि 2 महीने भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या हो क्या गया है तुम सब लोगों को? पढ़े लिखे लोग हो, मैंने कहा ना ये भूत प्रेत अपना सब बकवास है। नहीं सर, देखिए हमने देखा है अमित को 5वें मंजिल पर जिंदा। हम जाकर देखेंगे 5वें मंजिल पर कौन भूत रहता है उधर।
तो अमित है। रेडी पंकज, सारे सबूत और बॉडी फोरेंसिक लैब में भेज दो। दया, पता लगाना पड़ेगा इस पांचवी मंजिल के भूत का, जिसका ये सारा खेल है। पता नहीं क्यों पर अमित की मौत बड़ी गड़बड़ लगती है दया, बहुत बड़ी गड़बड़। सर। हाँ दया। अमित की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया सर, लेकिन सर एक बात और पता चली है, यहाँ इस बिल्डिंग में जितने भी मेंबर्स हैं ना, फ्लैट्स उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है सर। क्या? हाँ सर, कोई संपत नाम का आदमी है सर, पूरी बिल्डिंग उसी की है। साहब, ओ एम साहब का फोन आया था, बोल रही थी कि आपको भुतिया माले पे अकेला ना जाने दो। सुन ली ना मैडम की बात तुम, चल जा गाड़ी साफ कर, चल जा। मैडम का फोन आया था। जी सर, मैं संपत सर। हाँ, बिल्डिंग का मालिक, बताया हमें। आपको तो बिल्डिंग वालों ने सब कुछ बता ही दिया होगा। ये सब बेकार में घबरा रहे हैं सर, ये आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है, ये सब बकवास है। हाँ बकवास है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन सच क्या है? बताओ सच क्या है? तुम्हारे बिल्डिंग के लिफ्ट में से एक आदमी ऊपर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है, और कुछ ही देर में पता चलता है कि उसकी मौत हुई है। कैसे? सर वो अपनी बेवकूफी की वजह से ही मर गया होगा। और आप पूछ रहे थे ना कि सच क्या है, और सच ये है सर कि बिल्डिंग में रहने वाले सब पागल हैं, सब पागल हैं, आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है, और इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रखा है सर। कभी पार्किंग, कभी बिजली, कभी लाइट, कभी इंटरकॉम, और सर अब और कुछ नहीं मिला ना इन लोगों को। इन लोगों ने ये भूत प्रेत का ड्रामा शुरू कर दिया। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस ये अमित की मौत अचानक शॉक लगने से हुई है। अचानक शॉक लगने से? अचानक? जैसे कुछ डरावना देख लिया है? हाँ बस शॉक की वजह से, इतना जबरदस्त शॉक कि अचानक दिल की धड़कनें बंद हो गई। कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट? और कमाल की बात यह है कि उसे पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं था। अच्छा, मैं चलो। थैंक यू, बाय। सारंगी की बातों से एक बात तो पक्की हो गई कि अमित की मौत डरने की वजह से हुई, डरने की वजह से। लेकिन उसकी कलाई की नसें उसकी मौत के बाद किसी ने जानबूझकर काटी, जानबूझकर काटी। पर क्यों? सर हो सकता है सोसाइटी में जो भूत प्रेत की अफवाह है, उस डर को और मजबूत करने के लिए ये सब किया गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ये भी हो सकता है कि किसी की अमित के साथ जाति दुश्मनी हो और बदला लेने के लिए उसने अमित को मार डाला होगा। ये भी हो सकता है फ्रेडी, ये भी हो सकता है। तुम दोनों एक काम करो, उस सोसाइटी में जाकर एक एक मेंबर से मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या, कि ऐसा कोई मेंबर है जिसके पास कोई ठोस वजह हो अमित को मारने की, जान से मारने की। वो बहुत ही गुस्से वाले थे, और जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे, अनाप शनाप बोलते थे। मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। पति थे वो मेरे, बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज इंसान था, यहाँ तक कि बिल्डिंग की सारी औरतों और लड़कियों पर उसकी बुरी नजर थी। और आपको क्या कहना है अमित के बारे में? हमारा जीना हराम कर दिया था उस आदमी ने, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ठीक ही हुआ। कौन नहीं मार सकता था, जिसे मौका मिलता वही मार देता, बहुत बुरा इंसान था साहब। इतनी नफरत भरी थी उसके अंदर, हम सबसे चिढ़ता था। मेरा मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ है, इसीलिए मैं बाबा के साथ रहती हूँ। मुझे मारा, गालियाँ दी, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी छीनने की कोशिश की। उस इंसान में ना तो दिल था ना इंसानियत, अच्छा हुआ मर गया, जान छूटी। पता नहीं कैसी घिनौनी बातें करता था हम लोगों के बारे में,
पापा उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, दवाई देके सुलाना पड़ता है। जो भी हुआ उस समित के साथ अच्छा ही हुआ। मुंबई जल विभाग पाइपलाइन चेक करने का ऑर्डर है। ठीक है करो। पूर्वी तुम नीचे देख लो, मैं ऊपर चेक कर लेता हूं। यस सर। जिसकी आवाज बिल्डिंग में गूंजती रहती है। फूड डाई, खाने में मिला नहीं खा रहा। यस बॉस, सोसाइटी के पीने वाले पाइप की जंग और काई के साथ साथ मुझे उसमें लाल रंग की खाने की डाई के ट्रेसेस भी मिले। तो ये है सोसाइटी के नलों में बहने वाले खून का राज, लाल रंग। कमाल कर दी तुमने सारंग के यार, बहुत दिनों बाद कुछ काम किया तूने। हाँ मैं समझ गया, चलता हूँ बॉस। ओके थैंक यू सारंगे। सर एकदम हाईटेक बूथ है, स्पीकर और एम्पलीफायर के जरिए चीखता है। चालाक भी सर, पानी में लाल रंग मिला के सोसाइटी वालों को डराता है। सर मुझे तो लगता है इस सोसाइटी से ही कोई है जो अंजना जी की भूत की अफवाह फैला रहा है। और सर उसी बात का फायदा उठा के खूनी ने अमित को मारा है। वो सब तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये लिफ्ट का नाटक क्यों? सबसे पहले लिफ्ट की गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा सर। बस तो फिर इस लिफ्ट को चेक करो, मगर सोसाइटी में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सर यूजुअली हर लिफ्ट के दो कंट्रोल पैनल्स होते हैं, एक लिफ्ट के अंदर और एक सबसे ऊपर टेरेस पे। बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्वी, इस लिफ्ट में इन दो कंट्रोल पैनल्स के अलावा एक तीसरा कंट्रोल पैनल भी होगा। हाँ सर, और उसी जगह से वो खूनी लिफ्ट के अंदर बाहर जाने का मूवमेंट ट्रैक कर रहा है और लिफ्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। हाँ दया, बस इस तीसरे कंट्रोल पैनल को ढूंढ निकालो आज ही की रात। सीसीटीवी कैमरे तो पूर्वी ने बंद कर दिए हैं, सोसाइटी वालों को पता नहीं चलेगा हम लोग आए यहाँ पे। लिफ्ट में चल के देखते हैं, लिफ्ट को बाहर से कौन कंट्रोल कर रहा था वही से पता चलेगा। एसीपी साहब का शक सही निकला है, ये वायर जरूर इस लिफ्ट के दूसरे कंट्रोल पैनल तक गया होगा जहां से बैठ के खूनी इस लिफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। चलो चल के देखते हैं ये लिफ्ट कहां से कंट्रोल हो रहा था। Thank you.
वायर लिफ्ट के अंदर से गया या तो ऊपर छत में कहीं उसका कनेक्शन हो सकता है या लिफ्ट की दूसरी तरफ। मैं छत पे देखता हूँ। तीसरा कंट्रोल पैनल, जब कोई इसे यूज करता है तो लिफ्ट का कंट्रोल पैनल बंद हो जाता है। अगर खूनी को भूत के अफवाह को जिंदा रखना है तो कोशिश फिर से करेगा। हेलो पूर्वी। सर, मैंने सोसाइटी के पेड़ पौधों में और कंट्रोल रूम में अपने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा को भी मैंने अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहानी है यहाँ की। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत की अफवाह सिर्फ अमित का खून करने के लिए की गई हो? अमित का खून हुआ और भूत भी गए। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे दो दिन की मेहनत बेकार। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। कंट्रोल रूम में कोई गया है? Oh no, मोनिका लिफ्ट में गई है। जब मोनिका लिफ्ट में गई उसी समय कोई कंट्रोल रूम में। मोनिका की जान खतरे में है, तुम कंट्रोल रूम में देखो, मैं लिफ्ट में देखता हूं। ठीक है। तुम हो वो पांचवी मंजिल के भूत जो लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे? ये सब मजाक लगता है तुमको? पता है तुम्हें कितना बड़ा जुर्म किया है? एक बूढ़ी औरत की मौत का फायदा उठाया, उनको भूत बना दिया। हाँ, ये सब मैंने ही किया और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। क्या करता मैं? मेरी इस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट का भाड़ा मुझे 1-1 लाख रुपए मिल जाता और ये लोग क्या दे रहे थे मुझे? 3,000-2,000 और कोई कोई तो ऐसे 1,000 रुपए देता था जैसे भीख दे रहा है मुझे वो। अब आप सोचो सर, कितना नुकसान उठा रहा था मैं। और ये लोग ऐसे तो बिल्डिंग छोड़कर जाने वाले थे नहीं, और मैं इनसे खाली भी नहीं करा सकता था। इसलिए जब मैंने अंजना आंटी की खुदकुशी की खबर सुनी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तब मैंने ये भूत प्रेत की अफवाह उड़ाई ताकि बिल्डिंग वाले डर जाएं और डर के मारे खुद ही बिल्डिंग छोड़कर भाग जाएं। और अमित, अमित को क्यों मारा तुमने? अंजना आंटी की अफवाह मजबूत करने के लिए ना? मैंने अमित को नहीं मारा सर। पर सर, जब मेरा काम बिना किसी को जान से मारे हो रहा है
तो मुझे भला किसी को जान से मारने की क्या जरूरत है। और सर आपको एक बात बताऊं, सारी सोसाइटी से अमित की दुश्मनी थी, हो सकता है किसी ना किसी सोसाइटी मेंबर ने उसे मारा हो। और सर मैं तो अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता था, पर मैं किसी को जान से मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। फ्रेडी, पंकज, चल चल। क्या लगता है सर आपको, ये सच बोल रहा है? हाँ पूरी, सच बोल रहा है। ये खूनी कोई और ही है, पर कौन हो सकता है खूनी? ये गगन है, सोसाइटी का वॉचमैन। अमित इसे हमेशा मारता पीटता रहता था। मतलब गगन के पास भी वजह है अमित को मारने की। कामिनी, अमित की पत्नी, जो कई सालों से अमित जैसे हैवान के साथ बंधी हुई थी, जो प्यार तो क्या, उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव भी नहीं करता था। एक पत्नी इतने सालों से अत्याचार सहने के बाद, हो सकता है पलट कर उसने भी अपने पति को मारा हो। सुशीला को अमित ने छेड़ा था, वो भी उदय के सामने। तो एक पति अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बाप बेटी मोनिका और ललित, सर मोनिका के साथ भी अमित ने वही किया था जो सुशीला के साथ किया था। तो फिर हो सकता है बाप ने अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लिया हो। सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ललित जी काफी बीमार रहते थे, वो भी अमित की वजह से, ऐसा मोनिका कह रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने पिताजी को बचाने के लिए मोनिका झूठ बोल रही हो। सर अब मेरी समझ में आ गया सर, अमित का जो खून किया है ना, वो इन्हीं लोगों में से किसी ने किया है, उस लिफ्ट ने नहीं। लिफ्ट? पूर्वी, जब तूने मोनिका को लिफ्ट में से बाहर निकाला तब वो क्या कह रही थी? क्या वो भी अमित की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी? सर नॉर्मल मूवमेंट्स थे उसके, जैसे दम घुट रहा था और दरवाजा पीट रही थी। तो फिर ये अमित क्यों अजीब अजीब हरकतें कर रहा था? अमित क्यों अजीब हरकतें कर रहा था? नशे की वजह से सर, सब लोग कह रहे थे कि अमित उस रात को दारू की नशे में धुत था। नहीं पंकज, ये दारू की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। अमित की अजीब हरकतों के पीछे कुछ और ही वजह है, कुछ और ही वजह है। आसान के बोल, उम्र हो गई तेरे सालों की, उम्र हो गई। क्या बात कर रहे हो यार, क्यों उम्र हो गई? अबे भूलने लगा है तू। क्या भूल गया? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार उस वक्त हमारा दिमाग कहीं और था, उस वक्त हमारा दिमाग अमित के खून में मिले हुए अल्कोहल और दवाइयों पर था। दोबारा जब ऑटोप्सी किया तो देखो ये मिला, ये क्या है सर? धुआं है, कार्बन, वो कार्बन जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में से निकलता है। तो बॉस ये कार्बन इतनी ज्यादा मात्रा में है कि लगता है किसी ने गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप इसके फेफड़ों में घुसा करके रखा होगा। इस कार्बन डिपॉजिट को देख करके लगता है बॉस ये इंसान कम से कम 3-4 मिनट तो इस धुआं के असर में रहा ही होगा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने से ठीक पहले ये लिफ्ट में था। हो सकता है, सीसीटीवी फुटेज में भी ये अमित लिफ्ट में 3-4 मिनट तक था, और वो नीचे बेसमेंट से लिफ्ट लेके ऊपर गया था। और सर नीचे बेसमेंट में लिफ्ट के ठीक बगल में पार्किंग लॉट है। बस एक बात और, इसके खून में मुझे खास किस्म का केमिकल मिला है, ऐसा केमिकल जो सीधा दिमाग पर असर करता है, जिसकी वजह से इंसान हेलुसिनेशन में, भ्रम में रहता है। हेलुसिनेशन? सीसीटीवी फुटेज में अमित कुछ अजीब अजीब से हरकतें कर रहा था, तो हेलुसिनेशन ही था। सर इसका मतलब इस केमिकल का असर अमित के दिमाग पे हुआ। दया, पार्किंग लॉट लिफ्ट के बिल्कुल करीब ही है ना? जी सर। काम करते हैं, इस सोसाइटी के पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं सबके एग्जॉस्ट पाइप चेक करते हैं कार्बन डिपॉजिट्स के लिए, और इस अमित के फेफड़े में जो कार्बन डिपॉजिट मिला है ना, देखते हैं वो कार्बन डिपॉजिट किसकी गाड़ी के कार्बन डिपॉजिट के साथ मैच होता है। दया, ये देखा, ये है वो रास्ता
जहां से वो जहरीला धुआं और केमिकल लिफ्ट में गया था। उस गैस का ना कोई रंग था ना स्मेल थी, इसलिए शायद हमें को पता नहीं चला और हमें सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई नहीं दिया। खैर अभी तो हमारे पास सारी गाड़ियों के सैंपल मिल गए हैं, अमित के फेफड़ों में जो केमिकल मिला था वो इससे मैच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि खून की गाड़ी कौन सी है। आदे सर, उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के मैंने फोन कॉल डिटेल्स मंगा लिए, ये पता करने के लिए कि जिस रात अमित का खून हुआ उस रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में किस किस का मोबाइल फोन एक्टिव था। रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगा सर। गुड बॉस। हाँ, सोसाइटी के पार्किंग में जितनी भी गाड़ियों में से एग्जॉस्ट पाइप में से हमें जो कार्बन सैंपल मिला है, उन कार्बन सैंपल्स को मैंने अमित के फेफड़ों में मिले हुए कार्बन से मैच करके देखा। एक मैच पॉजिटिव है बॉस, ये है वो कार। दया सर, रुपेश से कह दो सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करे, खूनी का पता चल गया है। रुपेश जी, आपने इनको बताया नहीं? कोई नहीं, हम बताते हैं। अमित के खूनी का पता चल गया है। वैसे अमित का खून अंजना आंटी की भूत ने नहीं किया, ये सारी कहानी सब रची है संपत ने इस बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए। तो सर खूनी कौन है? एक कार। गाड़ी या यूं समझ लो कार से निकला हुआ धुआं। मोनिका जी, अरे आप कहां जा रही हैं? आप ही ने कहा था ना कत्ल के रात जब सारी लाइटें गई थी तब आप बिल्डिंग के मीटर रूम में थी और उसी वक्त आपके पिताजी घर में सो रहे थे और उसी दौरान आप और आपके पिताजी फोन पर बातें कर रहे थे और वो भी 25 मिनट के लिए। क्यों है? बताइए। ये सारा प्लान मेरा था सर, उस दरिंदे को मैंने मारा। अमित कुमार नाम है मेरा। मोनिका ने कुछ नहीं किया साहब। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? ये जुर्म हम दोनों ने मिलकर किया है। अमित से पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उस रात मैं मीटर रूम में गई और मैंने कुछ फ्लैट्स का फ्यूज निकाल दिया। धीरे धीरे करके बाकी सोसाइटी के मेंबर्स भी मीटर रूम में आ गए और तभी मैंने अमित को नशे में धुत आते हुए देखा। सर हमें पता चला था कि संपत ने लोगों को डराने के लिए लिफ्ट का तीसरा कंट्रोल पैनल बना के रखा था और मैंने फौरन बाबा को फोन किया। और जैसे ही मोनिका का फोन आया मैं लिफ्ट के कंट्रोल रूम में आ गया और लिफ्ट के कंट्रोल रूम में मैंने अमित को अपना कैदी बना लिया। मोनिका जो उस वक्त पार्किंग जोन में थी उसने अपने गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप को लिफ्ट से जोड़ दिया। और मैंने वो केमिकल गाड़ी के धुएं के साथ लिफ्ट में डाल दिया तब तक जब तक उस केमिकल का असर अमित के दिमाग पर हो जाता और फिर बाबा लिफ्ट को 5वें माले पर लेकर वहां पर चले गए। और जैसे ही अमित लिफ्ट से बाहर आया मैं उसके सामने पड़ गया। अचानक मुझे अपने सामने देखकर वो घबरा गया और कश खाकर गिर पड़ा। फिर उसकी मौत हो गई और फिर मैंने उसके हाथ की नसों को काट दिया ठीक उसी तरह जिस तरह अंजना जी की नसें कटी हुई थी, ताकि बिल्डिंग के लोगों को संपत के भूत की कहानी पे यकीन हो जाए और हम पे कोई शक नहीं करे। उसने मोनिका के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला, गलत किया, लेकिन इसके लिए उसकी जान ले ली? नहीं सर, मैं कामिनी और उसके बच्चों को अमित जैसे शैतान से छुटकारा दिलाना चाहती थी। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया
कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उसमें। कामिनी ने उसे रोकना चाहा, पर उसने कामिनी की ऐसी हालत कर दी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। माना कि हम गलत थे सब, पर अमित एक हैवान था और मैंने और मेरे बाबा ने वही किया जो एक हैवान के साथ करना चाहिए। मुनिका, वजह चाहे कितनी भी जायज हो, गुनाह तो गुनाह ही होता है। तुम दोनों ने एक हत्या की है, हत्या। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.